बिहार एसएससी की ओर से एक नई वैकेंसी आई है जिसमें 100 पद है टोटल। ये बिहार माइनिंग विभाग की तरफ से आया है। ये देखिए बिहार सरकार का साइट खुला हुआ है जिसमें 20 तारीख का लिंक दिया हुआ है, 20/9/2021 का लिंक दिया हुआ है। विज्ञापन संख्या है 1/2021, लिंक इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें इसका डिटेल्स देखते हैं, जो नोटिफिकेशन इसका है सरकारी नोटिफिकेशन, वो उस पर क्लिक करके देखते हैं। तो इस प्रकार का नोटिफिकेशन है जो खनन विभाग की तरफ से दिया गया है, खनन एवं भूतत्व विभाग की तरफ से दिया गया है। इसमें टोटल सीट 100 है, अनारक्षित के लिए 71 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 11 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 19 है, अनुसूचित जाति के लिए 15, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, पिछड़ा वर्ग की महिला का 3% आरक्षण अलग से दिया गया, उसमें 3 वो सीट हुआ, और अन्य रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 यानी EWS के लिए 10 सीट दिया गया है। इसमें ऐसा कि देखा जा रहा है कि इसमें बहुत दिन के बाद वैकेंसी निकला है बिहार सरकार का एसएससी का, जो एक बहुत गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है। इसमें अच्छा सा सैलरी होता है, इसका ग्रेड पे 4200 रुपया है, यानी इसका आपका सैलरी बन जाएगा तो 50,000 के से ज़्यादा ही बन जाएगा, 50,000 से कम नहीं रहेगा सैलरी। अच्छा खासा सैलरी वाला जॉब है, ऑफिसर लेवल का जॉब है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अलग है बाकी सब एसएससी से, इसमें कुछ पर्टिकुलर शैक्षणिक योग्यता रहेगा तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें मांगा जा रहा है कि डिप्लोमा मांग रहा है खनन विभाग की तरफ से, या फिर आपका भूगर्भ विज्ञान से स्नातक होना चाहिए, भूगोल का एक पार्ट होता है भूगर्भ विज्ञान, उसे स्नातक होना चाहिए तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका ये स्नातक नहीं है या फिर डिप्लोमा का डिग्री नहीं है तो आपका फॉर्म रद्द किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैकेंसी लिया नहीं जाता है, इसमें कम वैकेंसी लिया जाता है, फॉर्म ही कम लिया जाता है ताकि एक बार में एग्ज़ाम लेके ख़त्म किया जा सके। और इसमें जैसे आरक्षण का भी लाभ दिया गया है, हर वर्ग के लिए अलग अलग उम्र सीमा दी गई है, उम्र डिसाइड किया जाएगा 1/8/2019 के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 37 है, अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 40 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 है, अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के लिए 42 वर्ष का दिया गया है। और इसमें चयन प्रक्रिया वही तीन पेपर होगा इसमें, जिसमें तीनों पेपर 100-100 नंबर का होगा और तीनों तीन तीन घंटा का होगा पेपर। समान अध्ययन का होगा, खनन से संबंधित एग्ज़ाम होगा और भारत खनन विज्ञान की नीति से संबंधित एग्ज़ाम लिया जाएगा। और परीक्षा वही जैसा बताए थे हम पहले कि परीक्षा इसमें एक ही बार में लिया जाता है, इसलिए 40,000 विद्यार्थी को ही सेलेक्ट किया जाता है जिसका फॉर्म लिया जाता है। अगर 40,000 विद्यार्थी से ज़्यादा फॉर्म अगर भराता है तो इसका परीक्षा 2 चरण में हो जाता है, लेकिन अधिकतर चांस रहता है कि 40,000 से कम ही विद्यार्थी भराता है इसमें, तो एक बार में ही परीक्षा होता है, PT में ही इसका सिलेक्शन हो जाता है एक बार में ही। इसके लिए जो न्यूनतम मार्क्स रखा गया है कि पासिंग मार्क्स जो है वो है सामान्य के लिए 40 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है, और अति पिछड़ा वर्ग के लिए है 34 नंबर, और उसके अनुसूचित जाति के लिए 32, महिलाओं के लिए 32, सही वर्ग की महिलाओं के लिए 32 है, दिव्यांग के लिए भी 32 है। परीक्षा शुल्क सभी वर्ग का अलग अलग रखा गया है, जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है। सामान्य के लिए 750 रुपया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो बिहार का स्थायी निवासी है उसका 200 रुपया है, बिहार राज्य से बाहर के जो भी आदमी भरेंगे वो सामान्य कैटेगरी के बराबर पैसा देंगे 750 रुपया, और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए 200 रुपया है सब, और दिव्यांगों के लिए भी 200 रुपया है। इसमें जैसा कि दिखाया जा रहा है पूरा आरक्षण का, सभी कैटेगरी को जैसे जैसा आरक्षण दिया जाता है बिहार सरकार देता है वैसा आरक्षण सबको दिया जाएगा। इसका आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही किया जा सकता है, ऑफलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता इसका। और इसमें जैसे ये बिहार सरकार वाला बात लिखा हुआ है कि वो पैड वेयर भी नहीं हो सकता है, घूस उसके बिना ही जॉब होगा, घूस उस देने का कहीं ज़रूरी नहीं है जो दिया रहता है हमेशा, और बाकी सब डिटेल्स दिया हुआ है। इसका सारा डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा,
आप वहाँ से लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पूरा पढ़ सकते हैं। इसका अंतिम तारीख फॉर्म भरने का है 22 तारीख 10वां महीना यानी 22 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 22 तारीख तक लास्ट डेट है। धन्यवाद।